नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा समाजवादी पार्टी की महानगर कमेटी गठित, बूथ स्तर पर होगी मजबूत। मथुरा, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर की कमेटियां के लिए तैयारी तेज कर दी है। प्रत्येक बूथ पर अध्यक्ष के साथ 20 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी। उप जानकारी समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष मथुरा ऋतु गोयल ने कार्यकर्ता बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि महानगर कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस कमेटी में युवाओं को मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी में सभी का सम्मान है, युवाओं में क्षमता अधिक होती है, इसलिए इस बार पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रही है। इस बैठक में शिव कुमार यादव, मनोज गोयल, किशोर सिंह, रामधन गुर्जर, राजन रिजवी, रवि यादव, अभिषेक यादव, सी ए के अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, ऋषि अग्निहोत्री, रेणु चौधरी, बल्लभ भाई कुशवाहा, हाजी फरूख, भगवती चतुर्वेदी, अर्चना अग्रवाल, रेखा अग्निहोत्री आदि सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज की जो प्रोग्राम किया गया है, क्या उद्देश्य था इस प्रोग्राम? जी, आज का जो प्रोग्राम किया गया है, ये मथुरा महानगर समाजवादी पार्टी की प्रथम बैठक थी, जो कि इसमें कार्यकारिणी जो घोषित हुई है, उन सभी कार्यकारिणी के पद नव नियुक्त पदाधिकारियों को हमने मनोनयन पत्र भी दिया है और सेक्टर प्रभारी बनाए हैं, बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, जो कि आगे हमारे बूथ को मजबूत करेंगे। वन बूथ 20 यूथ। अच्छा, आगे और क्या प्लानिंग है समाजवादी पार्टी को मथुरा में मजबूत करने के लिए? जी, पूरी तरह प्लानिंग है। अब इस बार MP हमारा समाजवादी पार्टी गठबंधन का होगा और पूरी तरह मजबूती से हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इसमें जुट गया है कि हमें अपना यहाँ से लोकदल के प्रत्याशी या समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हमारे होंगे, वो यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हमारे यहाँ से जीत कर जाएंगे। 2027 चुनाव नजदीक है जी, क्या तैयारी है आपके समाजवादी? अभी 2027 में तो समय है, 4 साल है, 2024 का चुनाव नजदीक है। 24 का चुनाव नजदीक है, तो हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। अपनी कार्यकारिणी हमारी गठित हो गई है, कार्यकारिणी के सदस्य और जो भी कार्यकर्ता और नेतागण है, पूरी तरह से अपनी ईमानदारी के साथ में अपने बूथों को मजबूत करेंगे और अपना बूथ जिता करके लेके जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे अभी नगर निकाय चुनावों में हुआ था कि जो कैंडिडेट है वो अलग चल रही थी, टीम अलग चल रही थी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक कंफ्यूजन था, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है इस पर, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा वो एक मजबूती से हमारे जो प्रत्याशी हैं वो लड़ेंगे। और कन्फ्यूजन का जो फायदा है वो पार्टियां दूसरी उठाती हैं। हाँ, BJP को बिल्कुल फायदा हो गया है इस कन्फ्यूजन का, क्योंकि हमारा थोड़ा जो वोटर है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि साइकिल को वोट करें या जीप को वोट करें, इसलिए उनको इस चीज़ का फायदा मिल गया BJP को, और आगे ऐसा नहीं होगा। प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम रहा और क्या क्या कार्यकारिणी की जिम्मेदारियां बटी? देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं कि आज ये नवीन गठित जो हमारी कार्यकारिणी है उसकी प्रथम बैठक है। जो भी हमारी कार्यकारिणी के पदाधिकारी आए हैं उनको अन्य कार्यकर्ताओं से पहले तो एक तो उनका मेलजोल हो जाए, इसके नाते उन्हें बुलाया गया। दूसरा इसका एजेंडा ये था कि आगामी चुनाव को लेकर बूथ कमेटियां और बूथ सेक्टर का जो गठन है उसको लेकर बैठक बुलाई गई है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे हैं और उनके विचारों को अमल में लाते हुए बहुत ही जल्द जो हमारे सेक्टर प्रभारी हैं उनको पदभार दे दिया जाएगा। और हमारे अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय नेताजी ने जो आदेश दिया है हमें, एक बूथ पर 20 यूथ, उसको हमें आगे बढ़ाना है।